नेपाल में फंसे 26 प्रवासी झारखंडी मजदूर अब राज्य के लिए विराटनगर बॉर्डर से चल चुके हैं। वे किसी भी समय शनिवार को दुमका पहुंच जाएंगे। प्रवासी मजदूरों ने बस एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने सरकार और अन्य लोगों तथा जिला प्रशासन का धन्यवाद किया है जिन्होंने वक्त रहते उन्हें नेपाल से निकालने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार की रात को ही यह संदेश दिया था कि सभी प्रवासी झारखंडियों को वापस लाने के लिए बस भेज दी गई है और वे लोग बसों में सवार भी हो चुके हैं। जिला प्रशासन दुमका और विधायक बसंत सोरेन की पहल पर बसें भेजी गयी। बस के साथ जिला प्रशासन की टीम भी नेपाल बॉर्डर भेजी गयी थी। गरीब मजदूर जो नेपाल में हम लोग लॉकडाउन के चलते फंसे हुए थे सर, हम लोग का यहाँ का पूरा काम धंधा पूरा बंद पड़ गया था और यहाँ बारिश भी होना चालू हो गया। बारिश के वजह से हम लोग सब बीमार हो रहे थे सर, तो हम लोग को यहाँ से घर जाना था सर। लॉकडाउन के चलते हम लोग को गाड़ी का कोई पास नहीं मिल रहा था, कोई गाड़ी का प्रबंध नहीं हो रहा था सर, इसलिए हम लोग एक वीडियो के माध्यम से सच्चिदानंद जी सोरेन जो हम लोग का है सर, उनके पास वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड सरकार को गुहार लगाए कि सर हम लोग यहाँ बहुत कठिनाई करना पड़ रहा है सर, बहुत परिश्रम हम लोग झेल रहे हैं सर, इस परिश्रम से निकाल के हम लोग को अपना राज्य झारखंड पहुँचा दिया जाए सर। तो हम लोग को आज झारखंड सरकार ये चीज़ आवाज़ गुहार सुनकर आज हम लोग के ऊपर विमर्श करके अपने सभी झारखंड वासियों को अपना आज झारखंड बुला रहे हैं और हम लोग सभी खुशी खुशी से गाड़ी में बैठ गए हैं सर। और यहाँ का हम लोग का जो है सर मंत्रीगण, नेपाल के मीडिया कर्मी, पत्रकार लोग, उसके बाद बड़े बड़े संस्था है जैसे सुख संदेश फाउंडेशन से, उसके बाद फिर है सर नेपाल यूथ एसोसिएशन का सर, सभी लोगों को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर जो कि हम लोग को आज इस परिस्थिति से निकाल कर अपना झारखंड भेजने का काम कर रहे हैं सर। और हम लोग को झारखंड सब मंगल सब गाड़ी का प्रबंध बनाकर, खाने पीने का व्यवस्था कराकर, डॉक्टरी दवाई जो भी उपलब्ध है सर पूरा मुहैया करा के हम लोग को आज सर भेज रहे सर। इसके लिए सर हम लोग सभी नेपाली का जो मंत्रीगण है सर, उनको एमबीसी वाले को, फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का जो है सर, हम लोग का हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, हम लोग का डीसी महोदया, सबके लिए सर हम लोग बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद देते हैं सर। इसके लिए हम लोग हमेशा सदा के लिए आभारी रहेंगे सर। और हम लोग का कहने की बात तो यह है सर, हम लोग का यहाँ से जो बड़े बड़े नेतागण लोग जैसे है सर संजय यादव जी, और सर नाम थोड़ा हम कन्फ्यूज हो रहे हैं सर, भूल रहे हैं सर, सब ऐसा ऐसा बढ़िया तो था सर, सब लोग ने मिलकर हम लोग को साथ दिया सर। सुख संदेश फाउंडेशन से हम लोग को खाने पीने का भी व्यवस्था कराया सर, और पास के लिए सर नेपाल यूथ एसोसिएशन से भी हम लोग को बहुत हेल्प मिला सर, जिसके सबके लिए हम लोग आभारी हैं सर। और इसके लिए सर सब हम लोग झारखंड सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं उनके लिए भी हम लोग को सर बाल बच्चा घर परिवार सभी सब तरह से हम लोग को दुआ दे रही है सर, उनके लिए सर हम लोग सब मंगल खुश हैं सर, बहुत है सर, धन्यवाद सर। इसके लिए सब हम लोग एक बार जय जवाहर जय झारखंड। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।